पैन आप सभी को, और अब कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए एक और बड़े मैच के लिए। आप देख रहे हैं स्टंप्स आ रहे हैं, जो ये ग्राउंड था फिर से हम खाली कर रहे हैं, और आप सब तैयार हो जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब दो कदम पे ताज हैं और सरताज बनने का बड़ा मौका है। एमटीसी ग्रुप प्रेजेंट्स मर्दर कप 2020 का सबसे बड़े मैच के पहले वाला मैच, वो है सेमीफिनाले। और दो में एक तरफ श्री लुनावा यूथ ग्रुप, उनका मुकाबला होगा बांकली की टीम, बांकली स्टार 11 से। बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे लाइव एक्शन के साथ। आलोक, आई टेल यू अबाउट द पावर प्ले इन वन मिनट। यस यस ब्रदर, नो प्रॉब्लम बिगल। सो जो पावर प्ले की कंफर्म इन्फॉर्मेशन है इस सेमीफिनाले के मैच में, विरल बताएंगे कुछ समय में। तब तक के लिए चलिए चलते हैं, लौट चलते हैं डीजे के पास और कुछ म्यूजिक एंजॉय करते हैं। आलोक, सेम बॉलर कैनॉट बॉल बोथ द पावर ओवर्स, सेम बॉलर कैनॉट बॉल बोथ द पावर ओवर्स। यस, एंड मिनिमम फाइव बॉलर्स, दैट मींस वी कैन मिनिमम फाइव बॉलर्स, सेम बॉलर कैनॉट बॉल द बोथ द पावर ओवर्स। ओके ओके, सो क्लियर पिक्चर है, जो पिक्चर है वो क्लियर है। जैसा विराट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सिक्स ओवर्स का सेमीफिनाले होगा, आपको मिनिमम फाइव बॉलर्स यूज करने हैं। एक बॉलर से आप दो ओवर्स की बॉलिंग करा सकते हो, लेकिन वो बॉलर पावर प्ले के दोनों ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर सकता। दैट्स क्लियर विरल? यस यस, कंप्लीटली क्लियर ब्रो। यस यस, सो डीजे एंजॉय करते हैं और फिर जैसे ही सेमीफिनाले की शुरुआत होगी बांकली की, हम लाइव एक्शन के साथ आप सबसे जुड़ेंगे फर्स्ट सेमीफिनाले लेके। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें डीजे, अगर डीजे प्ले हो सके तो। हमारे ऑफिशियल्स से भी रिक्वेस्ट है अंपायर से कि आप लोग भी आ जाएं प्लीज।
अंपायर्स प्लीज कम ऑन द फील्ड. कपासी सर, अंपायर्स प्लीज कम ऑन द फील्ड. चाय बाद में पी लेना सर. अंपायर्स प्लीज कम ऑन द फील्ड एज सून एज पॉसिबल. चलिए सो अंपायर्स हमारे ऑफिशियल सब आते हुए ग्राउंड की तरफ एंड बहुत जल्दी आप लोग देखने जा रहे हैं द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ मेन श्री लोनावला यूथ ग्रुप वर्सेस द स्टार इलेवन बाकली. सितारों से भरी हुई दोनों टीमें एक से बढ़के एक महारथी दोनों ही टीमों में. और अगर यहां तक पहुंचे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का जो खेल है वो किस लेवल का है. डीजे एंजॉय करते हैं फिर से और जैसे शुरुआत होगी हम लौटेंगे आप सबके साथ लाइव एक्शन के लिए. अनिल जी
सो दोस्तों शुरुआत हो चुका है सेमीफाइनल का मुकाबला। टॉस जीता और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया हमारी टेक्निकल जो टीम है। प्लीज उस यूट्यूब पर जो डिस्प्ले हो रहा है उसे स्कोर वगैरह भी प्रॉपरली डिस्प्ले कर दें। हमारी डिजिटल टीम, टेक्निकल टीम, थैंक यू। कैन वी ऑल्सो हैव स्कोर बींग डिस्प्लेड ऑन यूट्यूब। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं पीयूष और अंकित। पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं जितेश। एक एक्टिवा है हो शायद पे, अगर रिप्ले देखेंगे तो पता चले। अगर एलईडी पे हम लोग नजर रखें, अगर रिप्ले देखने मिले तो शायद पता चले कि चांस था या नहीं था। और पीयूष के बैट से निकलता हुआ ये जबरदस्त स्ट्रोक, पहला सिक्सर इन सेमीफाइनल। धन्यवाद डीजे। सिक्सर निकला पहले ही ओवर में। उसके बाद आता हुआ है सिंगल। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्कोर बार यूट्यूब पे डिस्प्ले कर दें, एलईडी पे डिस्प्ले कर दें स्कोर बार। सिंगल निकलता हुआ इस बार भी। पहला ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बना है स्टार 11 बाकली का वो है 11 बगैर कोई नुकसान। और दूसरी में गेंदबाजी करेंगे मिथिल। सेमीफाइनल का है मैच, उत्साह, उमंग, उत्सव, रंग, जुनून, ये सब देखने को मिलता हुआ सेमीफाइनल में। आमने सामने हैं स्टार 11 सितारा खिलाड़ी स्टार 11 के बांकली के, और दूसरी तरफ हैं चैंपियन खिलाड़ी। जी हां, हाल ही में हुए एक इंटरविलेज क्रिकेट टूर्नामेंट के चैंपियन हैं श्री लुनावा यूथ ग्रुप लुनावा की टीम। 1196 अगेन 1196 किसी की एक्टिवा है जो गलत जगह पे पार्क है ग्राउंड के गेट पे, एंट्री गेट पे। सो 1196 जिसकी भी एक्टिवा हो, अगेन वी रिपीट 1196 ये एक्टिवा जिसकी भी हो प्लीज इसको आप वहां से हटाइए। 1196 गुड बॉलिंग मिथिल, गुड बॉलिंग, चेंज ऑफ पेस। और एक बात यह है कि अगर आप एक चीज और आपने देखी होगी जो मिथिल में हमें एक नई चीज नजर आ रही है वो अब वेरिएशन ज्यादा असरदायक करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव इनकी जो वेरिएशन है वो नजर आती है। अब पहले भी करते थे लेकिन पहले टप्पा इधर उधर था और कैप्टन के लिए थोड़ा मुश्किल काम था लेकिन पीछे बैकअप अच्छा, थोड़ा ऊपर से गेंद जंप मारा उन्होंने लेकिन गेंद उंगलियों पर लग के के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक अंकित के द्वारा।
तीन रन दिए हैं अब तक मिथिल ने पांच गेंदों में। छह ओवर का है ये सेमीफाइनल, जिसमें पहला ओवर और पांचवां ओवर है पावर प्ले। इस बार रेंज में आ गई, कई बार मोड़ा एक रन और। कई बार एक चीज आप सुनते हैं ना, और के जो बड़े बल्लेबाज हैं वो गेंदबाजों को जहां चाहते हैं वहां गेंदबाजी करवाते हैं, मतलब ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि वो उनके मुनाफिक गेंद करते हैं। चार रन आए और दो ओवर के बाद स्कोर है 15। सो पिछले ओवर में लेकिन मिथिल की आप फिर से तारीफ करेंगे कि सिर्फ चार रन दिए एंड दो ओवर के बाद अब जो रन पहले ओवर में 11 बने थे उन रनों पर थोड़ी सी मिथिल ने स्पीड ब्रेकर का काम किया। सिर्फ चार रन और दो के बाद 15, लेकिन अच्छी बात यह है टीम बाकली के लिए कि उनके दोनों सलामी बल्लेबाज वहां पे खड़े हैं, मौजूद हैं। सो अब वो लाइसेंस है इनके पास कि अब यहां से आगे वो बड़े शॉट्स के लिए जाएं। पर तीसरा ओवर दुष्यंत आए हैं बॉलिंग के लिए। तीसरे ओवर में पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में ये एक रन। एमटीसी ग्रुप मधुबन टोयोटा मरुधर कप 2020 पावर्ड बाय माइक्रोलैप्स लिमिटेड, को पावर्ड बाय जोयो जॉय ऑफ लाइफ एंड ट्रेवल पार्टनर हैं हॉलाइड योर ट्रेवल डेस्क। ओहो शॉप डिसमिसल LBW एंड बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गए थे पुश। अंकित आई गेस स्कोर है 16 पे गिरा ये पहला विकेट, 16 रन्स 1 विकेट। लीजिए अब जब ये आते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ये वन मैन आर्मी कोई आ रहा है, जिस तरीके से ये चल के आते हैं मैदान में आते हैं चैंपियन वाला एटीट्यूड नजर आता है। और टू ओवर्स 15 रन्स। यस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। सो अब कैप्टन आए हैं हर्षित अपना गार्ड लेते हुए। इस समय जो स्कोर है वो 16 है, इस ओवर की दो बॉल में एक रन और एक विकेट। सो 2.2 ओवर 16 रन 1 विकेट। और अच्छी कॉलिंग दुष्यंत की आप तारीफ करेंगे, और खास करके अगर सबसे बड़ा रन अप अगर किसी गेंदबाज का आप देखेंगे तो सादड़ी में हमें कई ऐसे बॉलर नजर आए जिनका रनअप अच्छा था। संयम थे और दर्शन थे। अच्छा क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, अपील सब जगह से हुई लेकिन स्टंप के पीछे से अपील नहीं हुई। ये एक चीज अभी दिखाता है ना कि यार कुछ भी कर लो जो अंदर का जेंटलमैन है वो नहीं खत्म होता। जीतू भाई थे स्टंप के पीछे, हालांकि जीतू भाई कभी कभी कर्ण बनना पड़ता है। चार गेंदे इस ओवर की, मात्र एक रन लेग बाय के रूप में, एक सफलता दुष्यंत के नाम। सिंगल टेकन, शुरुआत अच्छी थी, दो ओवर तक 15 रन ठीक ठाक मानेंगे आप, लेकिन इस ओवर की जो दूसरी ही बॉल पर विकेट गिरा उसका थोड़ा सा प्रभाव नजर आता हुआ, थोड़ा सा दबाव नजर आता हुआ। एक और बेहतरीन गेंद दुष्यंत की,
सो इस ओवर में आए मात्र दो रन, एक लेग बाय के रूप में था और एक रन बल्ले से आया। तीन ओवर की हुई समाप्ति, तीन ओवर के बाद स्कोर है 17 एक विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर के बाद 17 रन्स, वन विकेट। एक पोर्टेबल वीडियोग्राफर भी आ जाइए मेरे साथ यहां पे। तीन ओवर 17 पे एक और हर्षित आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। और हर्षित पर बरसे हैं और गेंद जाती हुई बाउंड लाइन के बाहर। इट्स हर्षित वर्सेस हर्षित और हर्षित के बैट से निकलता हुआ सिक्सर। युवा खिलाड़ी हैं हर्षित और उनके सामने एक राजस्थानी जैन समाज के आइकन प्लेयर हैं हर्षित। सेमीफाइनल का है ये मैच। चौथे ओवर की पहली गेंद पर स्टार 11 बांकली के कैप्टन हर्षित के बैट से निकलता हुआ ये सिक्सर। और पहली बॉल पर ही जब सिक्सर लग जाए तो बॉलर थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं। और ये वाइड का इशारा, देखिए ये एक दिक्कत आती है आपको। मेरे साथ अभी कई सालों से आप अंधेरी में, एक और अंधेरी प्रीमियर लीग देखते हैं। सो अमित भाई हैं मेरे साथ और अमित भाई के साथ विकास भाई हैं। अमित भाई, विकास भाई, वेरी वार्म वेलकम हमारे सेमटीसी मर्जर कप में इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट जैन समाज का। थैंक यू। और एक पोर्टेबल हमारा वीडियोग्राफर, पोर्टेबल वीडियोग्राफर 70-70 की टीम अगर यहाँ पे है, सो वाली इवेंट प्लीज यहाँ पे भेज दो मेरे पास कोई। ओके 25 रन्स इन 3.1 पहली बॉल पे सिक्सर, उसके बाद दो वाइड गेंदें, 8 रन आ चुके हैं। क्या ये एक और है? जी हां, इस बार तो कॉलेज का जो प्रीमाइसिस है उसके पास तक गेंद चली जाएगी। खालसा कॉलेज में जाकर गिरती हुई है गेंद, एक और एमटीसी ग्रुप सिक्सर। जब टीम को जरूरत होती है तब ये खिलाड़ी अपना रंग दिखाते हैं और ये एक किसी हीरे से कम नहीं है। वो कहते हैं ना कि हीरे की शफक है तो अंधेरे में चमक, धूप में तो कांच का टुकड़ा भी चमक जाता है। पिछला मैच भी हमने देखा 12 पे 37 चाहिए था और इस खिलाड़ी ने अपने दमखम पर अपनी टीम को जीत दिलाई। और इस मैच में जब रन थोड़ा धीमा चल रहा था, तीन ओवर में सिर्फ 17 बने थे, उन्होंने एक टारगेट किया कि किस गेंदबाज के खिलाफ मुझे अपना तल्ख तेवर इख्तियार करना है। और जैसे ही देखा कि एक युवा खिलाड़ी है, अनुभव इतना ज्यादा नहीं है, तो उनका फायदा उठाते हुए हर्षित। ये बहुत सही बात आपने कही कि जब उन्होंने देखा कि सामने, अब शायद अगर लुनावा की आप गेंदबाजी देखेंगे तो, हालांकि इस समय बोलना ठीक नहीं होगा, एक ये एरिया है यकीन मानिए शायद सभी टीमों के लिए कि जहां पर इनका बल्ला थोड़ा रुकता है, अगर आप इनको ऑप्शन के बाहर खिलाएं, फुल लेंथ की बॉल डालें, ये एक ऐसा है। मैं इनकी कमजोरी नहीं बता रहा आप लोगों को, लेकिन ये जो हमें नजर आती है यहां से, कमेंट्री वही है ना कि आंखों देखा हाल। लेकिन अगर यहां गेंद करेंगे तो फील्डर है वहां पे और हर्षित आउट। और पूरे ग्राउंड में आप सेलिब्रेशन देख रहे हैं, लुनावा के जितने सपोर्टर्स हैं आप सेलिब्रेशन देखिए। मतलब एक खिलाड़ी की कीमत इतनी ज्यादा, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस किस लेवल का प्लेयर है। पूरा मैदान से लुनावा वालों को ऐसा लगा कि मैच जीत गए हर्षित को आउट करने के बाद। ये ताकत है। जी हर्षित का खौफ है। ये हर्षित की फैमिली वाले कह रही हैं, उनकी भाभियां, उनकी माँ।
क्योंकि मासी तो कहती है कि आलोक आप भी खुश नजर आ रहे हो ना जी नहीं मैं मेरा मेरा ऐसा नहीं है कि मैं लुनावा के साथ हूँ अरे जी नहीं हम चेहरे से हमेशा ऐसे लगते हैं थैंक यू डीजे हर्षित को मिली सफलता दो सिक्सर पहली दो गेंदों में 14 रन आए और उसके बाद वो विकेट मिला जिसकी तलाश थी हर्षित का विकेट मिला हर्षित को बड़ा ब्रेक थ्रू शायद थोड़ा रुकना चाहिए था क्योंकि दो सिक्सर्स आ चुके थे दो वाइड भी आ चुके थे लेकिन वही है ना को अपना रंग नहीं बदलते जल्दी और उनके भाई इस दफा फील्डर है वहां पे ओ डियर एक एक बड़ा कैच फिर से अगर कि अगली बॉल पर अगर पीयूष भी आउट हो जाते तो फिर लुनावा के पूरे हाथ में था ये मैच ये आप रिप्ले देखिए तो पता चलेगा क्या हुआ बहुत ऊंची गई गेंद पीयूष थे स्ट्राइक पे हर्षित के भाई और थोड़ा सा मिस जज कर गए अश्विन कलेजा मुंह में आ गया था बाकी वालों का अगली गेंद ये ओवर नंबर 4 की और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि इस टीम में एक के बाद एक खिलाड़ी है इन्होंने मैं आपको बताऊं अमित भाई हैं मेरे साथ पिछले मैच का भी इसने अकाउंट ओपन किया था सिक्सर के साथ इस मैच में भी अकाउंट किया सिक्सर के साथ अक्षय जिनको हम सब प्यार से क्या जानते हैं नॉडी सो रंग नहीं बदलने वाला तेवर नहीं बदलने वाला मैचेस भले अलग हो बॉलर अलग हो लेकिन अंदाज वही पुराना 4 के बाद 38 है दो विकेटों के नुकसान पे आप रिप्ले देखिए तो बहुत शानदार कनेक्शन ह्यूज एंड हैंडसम फ्रॉम अक्षय मजा आता हुआ इस मैच में यार कैमरामैन आ जाओ जल्दी क्योंकि जो माहौल है ना बार बार सो एक वीडियोग्राफर आ जाओ भाई यहां पे लोगों का मैं एक्साइटमेंट देख रहा हूं ना सब बहुत ज्यादा खुश हैं वीडियोग्राफर को एक आ जाओ पोर्टेबल 4 ओवर हुए समाप्त और 4 ओवर के बाद जो स्कोर है वो है 38 रन दो विकेटों के नुकसान पर अक्षय है न्यू बैट्समैन इनका बल्ला इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में अब तक इतना ज्यादा फॉर्म में नहीं आया था लेकिन आज पहली बॉल पे लगाया सिक्सर और अक्षय ने यह बताया कि मुझे अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर के जेबों में आशाएं दिल में है अरमान यही कि कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं अक्षय है बल्लेबाज पहली बॉल पर सिक्सर सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे मुझको अपनी हद रोशन करने से तुम कब तक रोकोगे अक्षय द न्यू मैन इन पहली बॉल पे सिक्सर अड़तीस रन दो विकेटों के नुकसान पर दोस्तों एज अ कॉमेंटेटर बींग अ कॉमेंटेटर हम ये चाहते कि मैच रोमांचक हो लुनावा जीते बांकली जीते तकतगढ़ जीते पूरा राजस्थानी जैन समाज जीते खिमेल जीते और इनकी जीत के साथ जो मैचेस हो वो लाजवाब हो हमारी तो यही चाहत है चौके देखने को मिले विकेट्स कुछ देखने को मिले सिक्सर देखने को मिले और क्लोज मैच हो ये चाहत हर एक क्रिकेट प्रेमी की होती है और वही चाहत हमारी भी है फिर से उसी क्षेत्र में इस बार आधे मन से खेले हैं और अगर आधे मन से खेलेंगे तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा विकेट का पतन विकेट नंबर 3 विकेट मिलता हुआ और अश्विन ने दिलाई सफलता थोड़ा सा लेग कटर आप कह लें वो और फील्डर थे डीप में मिथिल शानदार कैच सो अक्षय हुए आउट पांचवा ओवर चलता हुआ भी आपने देखा कि पैरों पे गेंद थी
ऐसा लगा ना कि आप ही मन से खेल बैठे। सो अश्विन एक बार फिर से, अश्विन कितनी बार इन्होंने लुनावा के लिए, एक दो बार नहीं कितनी बार आप देखते ना कि जब जब मुश्किल का वक्त आता है तब तब ये खिलाड़ी सामने आके खड़ा होता है। ये तो मुझे ना जब टीम संकट में आती है तो संकट मोचन बन जाते हैं कि भाई लाइए हनुमान जी, हम ही हैं आपके टीम के। वेल डन अश्विन, तीसरा विकेट, ओवर चल रहा है ये पांचवा। पीयूष एक एंड पर टिके हुए हैं, अच्छा थ्रो लेकिन वाइड, परेश वहां पे थे। सो एक और सिंगल, इसके बाद एक ओवर और आना बाकी है। ये ओवर चलता हुआ पांचवा पावर प्ले का, पांचवा ओवर पावर प्ले है, पहला और पांचवा ओवर पावर प्ले सेमीफाइनल में है। सिर्फ तीन फील्डर आप सर्कल के बाहर देख रहे हैं। सो मौका होता है इस ओवर में भी पावर प्ले में कि आप थोड़ा सा बड़े शॉट खेलें। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज पीयूष, पीयूष या ऋषभ, ऋषभ है न्यू बैट्समैन। अच्छी फील्डिंग, जितेश थे वहां पे। सो सिंगल फिर से मिलता हुआ, और अभी तक अगर इस ओवर में आप देखिए तो पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बॉलिंग देखने को मिली है अश्विन से, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नहीं आप लोग तो मुझे ऐसा देख रहे हो, मुझे डर ही लग रहा है। ये इस ओवर की आखिरी गेंद, कैप्टन मनीष के पास खेला, हल्की सी मिसफील हुई और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने अनिवन बाउंस। और पांच ओवर के समाप्त, पांच ओवर की समाप्ति के बाद जो रन्स बने हैं वो है 42, तीन विकेट के नुकसान पर 42/3। सो पांच ओवर हुए समाप्त, पांच के बाद 42 बने हैं, तीन विकेटों के नुकसान पर, 5 के बाद 42। और चलिए चलते हैं बाकली के सपोर्टर्स के पास। सो हर्षित की मॉम यहां पे हैं कप्तान साहब के, पांच ओवर में 42 रन्स, अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन जल्दी चले गए 42 रन, आखिरी 6 बॉल है, कितने रन तक जाना चाहेंगे? 42 और कितना? 55 तक जाना चाहिए, 55 तक जाना चाहिए। आप समझ देखो कितनी अच्छी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, 42 से 55 है ना, मतलब भगवान 8 और 5 13 रन और दे दे। ओके सिद्धि विनायक में आप नारियल फोड़ेंगे अगर 55 पहुंच गया तो? पक्का पक्का पक्का। चलिए तो भाई 1 किलो लड्डू मंगा लो और यहाँ पे अभी बांटा जाएगा, अगर 55 हुआ तो हर्षित की मॉम की तरफ। लास्ट 6 बॉल्स टू गो, चलिए देखते हैं, बहुत बड़ा मैच चल रहा है, सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, पहला एमटीसी प्रेजेंट्स मर्डर कप 2020 का। पांच ओवर में 42 है, ये इस इनिंग की अंतिम 6 गेंदें। पीयूष खड़े हैं लेकिन बॉल टू रन बने हैं, और बॉल टू रन अगर बने हैं उसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है लुनावा को। सो अगर 15 गेंदों में आपने 15 रन बनाए, एक एंड इन्होंने जरूर संभाल के रखा है, आप ये भी बात कहेंगे पीयूष के लिए, उन्होंने एक एंड तो सेफ रखा है बांकली के लिए, लेकिन दूसरे एंड से जो बड़े शॉट चाहिए, अक्षय ने एक सिक्सर लगाया लेकिन उसके बाद वो भी आउट। अब ऋषभ है, देखते हैं क्या करते हैं, क्या गैप में है तो पहुंचेंगे वहां तक। और ये खिलाड़ी की फील्डिंग तो हम सबने देखा पिछले मैच में, जिन्होंने कैच पकड़ा वो शायद कैच ऑफ द टूर्नामेंट था हमारा इस एडिशन का। और फिर से गौरव आप देखिए, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। सो सिंगल्स सिंगल्स एंड डबल्स यही अब तक नजर आ रहे हैं हमारे इस पहले सेमीफाइनल के पहले इनिंग में, शिवाय हर्षित के और एक सिक्सर अक्षय के बल्ले से। यॉर्कलैंड पर फिर से एक मर्तबा ये गेंद, 45 रन हुए थे इस गेंद से पहले, और इस एक रन को अगर आप खाते में जोड़ दें स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ 46 रनों पर। 46 रन से तमाम आप सपोर्टर्स को देख रहे हैं जो पूरे एमटीसी मदर कप की शोभा को बढ़ाते हैं, शिपाल जी बाफना को आप देख रहे हैं, एंड ये सभी लोग हमारे राजस्थानी जैन समाज के जो इस पूरे ग्राउंड की समय शोभा को बढ़ा रहे हैं, इन सबका सपोर्ट। और आज का ये फाइनल डे मर्धर कप का हम सब के लिए यादगार बनता हुआ। लास्ट 3 बॉल्स टू गो, ओवर नया, गेंदबाज नया, लेकिन कहानी वही पुरानी जो आप देख रहे हैं 2 ओवर से। फिर से अच्छी फील्डिंग, फिर से अच्छा थ्रो, फिर से अच्छी लेंथ, और दुष्यंत की आप जितनी तारीफ कीजिए उतना कम, चूंकि अपने स्पेल के दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं और एक सफलता पहले ओवर में उन्होंने ली थी, 6 रन
अब तक दिए हैं। पिछले ओवर में तो बहुत ही किफायती रहे थे, दो रनों के ओवर में आए थे जिसमें से एक लेग बाय था, दैट मींस गेंदबाज ने सिर्फ एक ही रन किया था दुष्यंत ने। क्या ये कुछ जी नहीं, शायद ऐसा लगा कि बीमार हो, लेकिन जी नहीं। सो जबरदस्त बॉलिंग, वेल डन दुष्यंत। अब जो डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में जो आप अपने गेंदबाज से उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादातर गेंदें जड़ में डालें, यॉर्क लेंथ की डालें, वो करते हैं दुष्यंत। लास्ट बॉल भी ओवर की एकदम सही ठिकाने पे, क्या दो रन मिलेंगे। गौरव काफी तेज है एंड कमाल की फील्डिंग, वेल डन गौरव। सो रन आउट मिले हैं एंड बागली ने इनिंग की आखिरी बॉल पर विकेट गंवाया है। आउट हुए पीयूष और पहली इनिंग होती हुई समाप्त। लुनावा खुश होगी, लुनावा खुश होगी जिस तरीके से उन्होंने रोका है छह ओवर्स में अपने ऑपोजिशन को, बांकली को। या आखिरी गेंद देख रहे हैं क्या हुआ। चलिए, लुनावा का एक मुकाबला तो ये चल रहा है, इसके साथ ही लुनावा का एक और मैच होना है। थैंक यू डीजे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लुनावा का एक मैच चल रहा है, इसके बाद वाला जो मैच है वो भी लुनावा का है, लेकिन वो लेडीज का होगा। सो लेडीज सेमीफिनाले लुनावा और उनके सामने है टीम सेवाड़ी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों की कैप्टन से कि टॉस के लिए तुरंत हमारा जो स्टेज है यहां पर आ जाए। लेडीज टीम लुनावा और सेवाड़ी के कैप्टन सोनम जी एंड लुनावा की कैप्टन जो भी उनकी कैप्टनसी कर रहा है, प्लीज आप भी आगे आ जाइए, भव्या या फिर जो भी हैं। सेवाड़ी के कैप्टन सोनम जी एंड लुनावा की कैप्टन, लुनावा के कैप्टन भी आ जाए प्लीज टॉस के लिए। लेडीज टीम लुनावा की कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आइए। बांकली वर्सेस लुनावा, छह ओवर में चाहिए 50, ये है लक्ष्य लुनावा के सामने। और अगला मैच लेडीज लुनावा का, उनके सामने है टीम सेवाड़ी। कैप्टन प्लीज आ जाइए, आई थिंक उस तरफ बैठे जहां पर डगआउट है, अगर कमिटी मेंबर कोई वहां पर हो तो प्लीज जो लुनावा की लेडीज टीम की कैप्टन है उन्हें विरल, विरल, विरल वहां पर अगर सेवाड़ी की वुमेन टीम है तो ब्रदर उनको भेज दो। यस ओनली कैप्टन, सेवाड़ी की कैप्टन आ रही है हमारी तरफ सोनम, और लुनावा की भी कैप्टन तुरंत आइए प्लीज। आप जितने लोग कैमरे पे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा शोरगुल मचाइए, थोड़ा सा उनको हाय बाय कीजिए जितने लोग देख रहे हैं। हाँ यस यस लाइक दिस। सुरेश भाई, शिपाल जी, निर्मल जी किताबत और ये सभी और लोग आप देख रहे हैं। निर्मल बाली से आए स्पेशली देखने के लिए आए मैं। कैमरा मैन थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए वापस हमारे पास। शिपाल जी से आ जाओ, चेतन जी मुनोत, चेतन जी मुनोत, शिपाल जी सीधा बाली से। बाली से ये देखने के लिए मेरे को फोन एमसी है कि अच्छा मैच देखता हूँ मैं एमडी से बातें करते हैं। सो बाली से यहाँ तक का सफर ऐसा लग रहा है आपको कि मिनी राजस्थान यहाँ पे इस ग्राउंड में एलके यूथ क्लब ने बसा दिया है एमटीसी ग्रुप में। बिल्कुल मिनी राजस्थान लग रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ। कौन सी टीम अभी इस सेमीफाइनल का जो मैच आपने देखा, लुनावा या फिर बांकली, क्या लग रहा है कौन ज्यादा बेटर? 50-50। सुरेश भाई व्हाट डू यू थिंक, लुनावा इज गोइंग टू चेस द टारगेट और डू यू थिंक बांकली हैव गॉट बेटर चांसेस टू डिफेंड इट? लुनावा कर सकता है, लुनावा कर सकता है। शिपाल जी आप? लुनावा। लुनावा किताब नियर बाय फेवरेट। चलिए सब लोग यार लुनावा, लुनावा फाइनल लुनावा का है, फाइनल लुनावा का है। चलिए टॉस का टाइम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शिपाल भाई से। शिपाल जी के बिना अधूरा दुआ से है। आइए सर, आइए मैम, शिपाल जी आइए। शिपाल जी बाफना अपनी धर्म पत्नी के साथ। शिपाल जी यहाँ पे आइए। करते हैं और एक तरफ आप देख रहे हैं सेवाड़ी की टीम एसएसजी और दूसरी तरफ एलके क्लब
श्री लुनावा की टीम लुनावा यूथ ग्रुप ठीक है बेटे ठीक है बेटा क्वींस हो आप लोग एंड टॉस के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैम एक तरफ है एमटीसी ग्रुप दूसरी तरफ है एलके यूथ क्लब कौन लेगा कॉल प्ले एमटीसी कॉल सेवाड़ी टीम की तरफ से और एमटीसी ग्रुप आता हुआ ये आप देख सकते हैं एमटीसी ग्रुप सो क्या करेगी टीम सेवाड़ी बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट तैयार है आप लुनावा टीम के लिए यस चलिए ऑल द बेस्ट टू सोनम एंड बेटा डैड वहां पे खेल रहे हैं लुनावा खेल रही है भव्य क्या मैसेज है डैड को जीत के आना अच्छा जीत के आना और आप लोग कितना रेडी हो जीतने के लिए आप लोग कितना रेडी हो जीतने के लिए 100% चलिए वर्क ज्यादा नहीं है टॉस जीता है सेवाड़ी ने और पहले बॉलिंग सर जी फोटो ले लेते हैं साथ में सेवाड़ी ने पहले शिपाल जी की तावत एंड शिपाल जी की तावत शिपाल जी बाफना बेगो पार्डन एंड जश की मॉम यश स्वर्गीय यश थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस शिपाल भाई आप 2 मिनट यहीं रहिए हमारे साथ 2 मिनट यहाँ पे आ जाइए 2 मिनट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं शिपाल जी को और शिपाल जी सबसे पहले बहुत स्वागत है एकदम मैं मन के अंतःकरण की गहराइयों में मेरा जितना आदर और सम्मान है ना मैं उससे आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे आने के बाद जो ये माहौल है जो ये रंग है और आपकी प्रेजेंस है यहाँ पे किस तरीके से आप इस टूर्नामेंट को पूरे समाज के लिए देख रहे हैं जो मेहनत है हल्के यूथ क्लब की देख रहे हैं कितना अच्छा है ये पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बस आप पधारे हैं सर ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है बहुत बहुत धन्यवाद शिपाल भाई पांच रन 50 का है टारगेट आखिरी गेंद पर ये रिस्क सिंगल था जरूर अगर डायरेक्ट हिट सम्स पर लगती तो शायद थोड़ा सा करीबी हो जाता मामला एक रन से ही ओवर नंबर पहला हुआ समाप्त पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6 बगैर कोई विकेट के नुकसान पर सनग्लासेस पहनने का ना कई फायदा होता है कि आंख में क्या चल रहा होता है छुप जाता है सो 6 रन बने हैं पहला ओवर समाप्त हुआ है बिना किसी नुकसान के और लुनावा क्या खुश होगी इस स्टार्ट से नो लॉस 6 रन पहले ओवर के बाद बहुत छोटा सा टारगेट है आई थिंक दे विल अचीव इट इजीली आपको छोटा लग रहा है सुरेश भाई 49-50 रन 6 ओवर में तो छोटा ही है लुकिंग एट द पास्ट परफॉर्मेंसेस छोटा ही है चलिए सो सुरेश जी को ऐसा लगता है कि एक दो अच्छी ओवर हो गई तो टारगेट और मतलब एकदम अच्छी ओवर हो जाएगा सो देखते हैं सुरेश भाई तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं 30 बॉल्स एंड 44 रन रिक्वायर्ड 30 पे 44 कभी भी आपका नाम जब इतना बनता है तो कोशिश करें कि उस नाम को हमेशा बना के रखें आप अपने प्रिंसिपल्स पे रहें कोई भी काम करें दिल से करें आपका इंटेंशन अच्छा आपकी सोच अच्छी तो 110% आपको सक्सेस भी मिलेगी तो दो बड़ी टीमें खेल रही हैं हालांकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकली ज्यादा नहीं लेकिन 8 से 10 रन कम है लेकिन वो जो रन कम है वो इन्हें कोने हो गए एंड पहले सफल हो गए थे नो चांस टू एनी फील्डर एंड पहली बार इस टूर्नामेंट में ऐसा लग रहा है कि जश का बल्ला सही अंदाज से गेंद को पढ़ रहा है पहली ओवर में थे 6 रन और इस ओवर की पहली गेंद पर भी आया 6 रन स्कोर पहुंचा 12 पर दूसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषभ इतने ज्यादा रन्स नहीं है बाकली के पास के वो इस तरीके के बड़े शॉट्स बहुत ज्यादा अफोर्ड कर सके सो बहुत कोशिश ये करनी होगी बाकली को कि जितना ज्यादा लाइन और लेंथ पे ध्यान दें खास करके ये भी देखें कि
कहां ज्यादा बड़े शॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके से बैट्समैन का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सिक्स है लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी गेंदबाज ऋषभ की। सो यही कहानी है अभी तक, अगर आप लोग देखिए प्रेजेंट्स एमटीसी और फिर क्यों डीजे वाले भाई, शायद इसकी बैटरी हमको चेंज करनी चाहिए अब माइक की। 1.3 ओवर में 13 रन बगैर कोई नुकसान, जीतू और जश ये है सलामी जोड़ी। अच्छा शॉट, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे, दो की चाहत लेकिन मना किया जितेश ने। जितेश और जितेंद्र, जितेंद्र भाई आप सबको पता है मनीष बड़े भाई जो विकेट कीपिंग करते हैं, और ये जितेश, हालांकि दोनों का पेटनेम हम जीतू भाई के नाम से ही जानते हैं दोनों को, लेकिन ये जितेश हैं जो नॉन स्ट्राइक एंड पे, और जीतू भाई जितेंद्र जी मनीष भाई के बड़े भाई। नहीं आप इनको यहां गेंदबाजी नहीं कर सकते, अगर आप 6 की 6 गेंद आप इनको यहां कीजिए तो 6 की 6 गेंदों ये आपको सिक्सर के लिए भेजेंगे, डिपॉजिट करेंगे सीधा स्टैंड में। जश के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा सिक्सर इस ओवर में, बहुत स्ट्रांग है शॉर्ट पिच बॉल का, इंतजार ही करते रहते हैं, और ये एरिया तो ऐसा लगता है ना लॉन से लेके डीप स्क्वायर लेग तक का कि इनका खरीदा हुआ है, इतना पसंद करते हैं वहां खेलना। 20 रन्स विदाउट लॉस इन 1.5 ओवर्स, जश जा पहुंचे हैं 15 पे, 7 गेंदों में 15 और फिर से कुछ रन्स मिलेंगे। पुअर लाइन एंड लेंथ, खराब गेंदबाजी, और उसके बाद आप अगर निराश हो तो की गलती है। एक और चौके के साथ ओवर हुआ कंप्लीट, और श्री लुनावा यूथ ग्रुप अगर देखिए तो वहां खुशियां, 24 रन 24 रन्स दो ओवर के बाद, 2 gone 24 विदाउट लॉस। और अब आए हैं कप्तान कैप्टन हर्षित, दो ओवर में 24 रन 24 रन्स बन चुके हैं, 19 8 गेंदों में बनाकर खेलते हुए जितेश 4 पे 4, और ऋषभ का पिछला ओवर दे गया है 17 रन और एक लेग बाय भी था, तो टोटल 18 रन पिछले ओवर में आ गए। सो 24 बॉल पे चाहिए 26 रन। कैप्टन हर्षित अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करते हुए, और उनको पता है कि अब अगर यही सबसे सही वक्त था कि मैं आता, क्योंकि अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और कप्तान ही वो है जो कुछ कर सकते हैं, जादू है इस खिलाड़ी में, मैजिक है ये। और पता है जितेश को भी पता है कि अब तो हम काफी आगे हैं, अब हमको बस करना यह है कि एकदम जो बेसिक्स है ना वो फॉलो करना है, सिंगल्स और डबल्स। अगर अब कोई प्रेशर में है तो अब वो है बांकली स्टार 11, और ये बहुत शानदार फील्ड प्लेसमेंट, इसके लिए हम बार बार तारीफ करते हैं ना इस खिलाड़ी की। आप देखिए कि ये हर्षित को भी तो पता है ना कि ऑपोजिशन अब क्या करेगी, ऑपोजिशन के जो बड़े रन से वो आ चुके हैं, अब वो ज्यादातर शायद सिंगल्स डबल्स के लिए जाए, तो आप देखिए जहां से 1 रन लिया जितेश ने वहां पे तुरंत एक फील्डर लगा दिया गया आगे, ताकि सिंगल्स को रुकाइए, प्रेशर क्रिएट कीजिए, और जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तब जाके विकेट मिलता है। एग्जैक्टली जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वही आप देखिए, लेकिन ये तो ऐसा है कि अगर हाथों से भी गेंद छिटकेगी इतने सामने से तो अकेला कप्तान आपको मैच नहीं जिता के दे सकता, वो भी बार बार तो खेल वो बेचारा अकेला इतना जीजान लगाता हुआ, इतना लड़ता हुआ, इतना फाइट करता हुआ, और बाकी सब कहते हैं ठीक है। 26 रन्स विदाउट लॉस 2.2 ओवर्स, और एक बात की हैरानी मुझे ये भी रही कि विनय को अरमान हमने शायद इस टूर्नामेंट में एक भी बार बैटिंग करते हुए विनय भाई को देखा नहीं, क्योंकि बैटिंग लाइनअप भी स्ट्रांग है या कुछ और रीजन है। उमूमन विनय लेदर बॉल ज्यादा खेलते हैं आलोक, शायद कहीं ना कहीं एक वजह यह भी है कि जो प्लेयर लेदर बॉल रेगुलरली खेलते हैं उनके लिए टेनिस पर तुरंत आकर बड़े स्ट्रोक लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दिस इज गुड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट फ्रॉम जश एंड जितेश,
दे नोस कि अब क्या कंडीशंस है, क्या समय है, किस तरीके से हमको चलना है. शुरुआत के दो वर्ष में तो हम इनसे काफी आगे निकल चुके हैं. अब आप कहते हैं ना कि जब देख लें कि दुश्मन मजबूत है तो हाथ मिला लेना ही बेहतर है. ऑपोजिशन को उन्होंने देखा कि अब बॉलिंग के लिए कप्तान आए हैं, इस ओवर में शायद बांकली विकेट के लिए देख रही है, तो चले जाइए थोड़ा सा बैकफुट पे. और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं जब सामने तूफान बड़ा हो ना तो कभी कभी सर झुका लेना ही. जी हाँ, ये हमेशा जोश में रहते हैं, रात को 3 बजे भी जोश में. अच्छी रनिंग विकेटों के दरमियान 5 गेंदों में इस ओवर में 5 आ चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रन पे. क्या बात बांकली को इस मैच में बनाए रखती है. दो चीजें थी, या तो आप बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करते जो हुआ नहीं, दूसरी बात यह थी कि आपको फील्डर से हेल्प मिलता वो भी नहीं हुआ, तीसरी बात यह थी कि आपको विकेट मिलता वो भी नहीं हुआ. सब आगे कुआं पीछे खाई, तुम ही बताओ किधर जाएं भाई. 29 बने हैं, 21 और चाहिए, गेंदें बची हैं 19. लेकिन मालूम कहीं ना कहीं हम भारतवासी बहुत आशावादी भी होते हैं, और अभी भी जो बांकली के समर्थक हैं ये उस उम्मीद में हैं कि यहां से भी मैच वो जीतेंगे, और होना भी चाहिए. फिर से देखिए आप ले गए सिंगल, वेल डन जश, सुपर प्योर इंटेलिजेंट क्रिकेट. सो चलिए, तो कप्तान के अगर ओवर पे आप नजर डालें तो 6 गेंदों में 6 सिंगल, और ये दोनों चीजें दिखाती हैं. एक ये भी दिखाते हैं जितेश और जश कितने स्मार्ट क्रिकेटर हैं, दूसरा ये भी दिखाते हैं कि फील्ड प्लेसमेंट आगे रखने के बावजूद इन्होंने 6 सिंगल लेके गए. सो वेल डन, 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर के बाद 30 रन बिना किसी नुकसान के, 3 के बाद 30, 30 रन्स, 3 ओवर्स कंप्लीटेड. अब 3 ओवर का खेल बाकी है और 3 ओवर में 20 रन की जरूरत है श्री लुनावा यूथ ग्रुप को, 18 पे 20. यस, 18 बॉल्स एंड 20 रन्स रिक्वायर्ड. क्या अब पीयूष भाई कुछ जादू करेंगे, कुछ करिश्मा करेंगे? उम्मीद तो अभी भी है बांकली को, और जो और न्यूट्रल सपोर्टर्स हैं, कोई नहीं चाहता ना कि मैच वन साइडेड हो जाए. हम सब चाहते हैं कि थोड़ा सा टफ हो, मुश्किल आए एंड इंटरेस्टिंग मैच हो. जब आप पहला सेमीफिनाले देखते हैं तो क्रिकेट का इतिहास गवाह है, सेमीफिनाले के मैचेस ग्रैंड फिनाले से ज्यादा बेहतर हुए हैं. क्रिकेट की हिस्ट्री आप उठा के देखिए, 90% टाइम पैसा हुआ है. जहां तक मुझे लग रहा है पहले प्लान शायद ये रहा होगा कि पीयूष पावर प्ले का ओवर करेंगे 5वां, लेकिन जिस तरह से सूरत हाल इस समय बन चुकी है, पीयूष को 4थे ओवर में ही गेंदबाजी पे आना पड़ा, क्योंकि जो गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा वो सिर्फ 1 ओवर ही गेंदबाजी कर सकता है. इसीलिए हमेशा एक बात ये भी आपको रखनी चाहिए कि आप ना सिर्फ 1 या 2 प्लान के साथ मत जाइए, आप हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखिए. प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी अप्लाई कीजिए, प्लान बी फेल हुआ तो आपके पास प्लान सी भी होना चाहिए, अगर प्लान सी भी फेल हो गया तो फिर ऊपर वाला खैर करे. 31 रन, अच्छी बॉलिंग. और सिंगल, सिंगल्स पर ही अब निर्भर हैं, और पता है जितेश को और जश को कि हमें अब करना भी वही है. आलोक, क्या आपको लगता है कि ये मैच आखिरी ओवर तक आएगा? यस, पीयूष कर रहे हैं गेंदबाजी, और आखिरी ओवर में इस लिहाज से अगर हम देखें तो या तो हर्षित बॉलिंग करेंगे या पीयूष बॉलिंग करेंगे, ये 2 में से 1 रहेंगे. लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी, क्या लुनावा चाहेगी इस मैच को आखिरी ओवर तक ले जाना या उससे पहले ही समाप्त करना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको सिंगल सिंगल्स तो आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम कई बार ये मुश्किलें भी पैदा कर जाते हैं. अगर 1-2 गेंदें डॉट हो गई और खुदा ना खास्ता उसमें ऑपोजिशन ने कुछ मौके बना लिए. हमारे टेक्निकल स्कोरर भाई, 1 बॉल 20 में डॉट हुई है, 3 बॉल हो चुकी है इस ओवर की, जरा ध्यान दीजिए स्कोरिंग में. ये चतुराई भरा स्ट्रोक है, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत. एंड अब जश दिखाते हुए कि बड़े मैच में जो बड़ा खिलाड़ी है वो बड़ी प्रदर्शन करता है. आप देखिए जश का बल्ला अभी तक पूरे टूर्नामेंट में ना खामोश था, हाँ, और परेशान कर रहा था, लेकिन जब बड़े मैच आए तो 12 पे 23 या अब 13 पे 24 हो जाएंगे. सो वेल डन जश, और अच्छा एंकर रोल प्ले करते हुए दूसरे एंड से सीनियर प्लेयर जितेश. या जब गेंद हाथ में नहीं आ रही तो एक चीज ये भी दिखा रहा है. एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी कुछ लाइंस थी कि जो ये भी हालात चल रहे हैं फील्डिंग में, कि
मैं समझ गया कि वक्त बदल रहे हैं, मुझे पता नहीं कितने वक्त समझेंगे, मैं समझ लिया कि वक्त बदल रहे हैं, मैं थक कर पेड़ की छांव में बैठा तो फिर पेड़ चलने लगे, अगले साल समझेगा। ओवर समाप्त हो गया यहां पर चार, और चार ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में भी आए 6 रन, टोटल जो रन हुआ वो 36, अब 12 बॉल पे 14 रन की जरूरत, 12 बॉल्स 14 रन रिक्वायर्ड, दैट मींस ये था कि अब अगर आप देखिए ना वो टीम और ये सब वो फील्डर्स हैं, आप बात विनय की कीजिए, आप बात पीयूष की कीजिए, जिनके हाथों से गेंद स्लिप हो रही है, ये सब बहुत शानदार फील्डर्स हैं, लेकिन बड़ा मैच है, प्रेशर है और कहीं ना कहीं उसका असर, 12 गेंदें 12 पे 14 की जरूरत, और उम्मीदों का अब एकमात्र जो आशा कह लें, चिराग कह लें, या जो उम्मीदों की डोर कह लें, अभी भी बंधी हुई है किससे, कप्तान हर्षित से, 12 बॉल्स 14 रन्स रिक्वायर्ड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर्षित भाई एक बात याद रखें कि बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफानों में घिरी कश्ती बाहर निकल सकती है, हिम्मत ना हारे, साहस से लड़ते रहें, यह क्रिकेट का खेल है, बाजी कभी भी पकड़ सकती है, नेवर गिव अप। 12 पे 14, 12 बॉल्स एंड 14 रन्स रिक्वायर्ड, कप्तान फिर से आए हैं जितेश, और जितेश के साथ जश, ये जे लेटर बहुत ही समझदारी से एकदम जीनियस क्रिकेट इन्होंने खेला, बहुत अच्छी बात है ना कि दोनों शायद ये भी सोच रहे हैं कि हमको ही फिनिश करना है। 12 बॉल्स 14 रन्स नीडेड, कदमों का इस्तेमाल, जैसे ही देखे हैं कि डीप का जो फील्डर है वो आगे है, सर्कल के अंदर है, गेंद उनके सर के ऊपर से खेल बैठे, द ग्रेट बैट्समैन आर नॉट ऑलवेज एग्रेसिव बट दे नोज व्हेन टू बी, ये सेइंग परफेक्ट लागू होती है जितेश के ऊपर, अभी तक डिफेंसिव थे लेकिन अब पता था कि भाई अब और नहीं, अब 11 पे 10, सो फुटवर्क, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसके बाद सीधा बल्ले से मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली बॉल पर चौका, अब आप भले से कितना बड़ा ही नाम हो लेकिन अब क्या करेंगे हर्षित, देखना है किस लेंथ पे बॉलिंग होती है, चांस चांस, एंड फाइनली वो विकेट, और जिसका था पहले ओवर से इंतजार, और दिलाया तो कप्तान ने, 40 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। चलिए यहां जितने लोग हैं एक बार हम सर्वे करते हैं ना, आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये मैच अभी भी बांकली जीत सकती है, कितने लोग, थैंक यू डीजे, कितने लोग बांकली के साथ हैं, बांकली के साथ, चलिए वहां से भी बांकली वाले काफी लोग हैं यार, एंड कितने लोग लुनावा के देख रहे हैं, लुनावा नाम से जीत रहे, लुनावा दो दो हाथ, लुनावा वाले तो काफी हैं। अच्छा जो रानीगांव रॉकर्स वाले बैठे हैं बेचारे कर पड़ चुके हैं, ना इनके साथ ना उनके साथ हैं, सब आराम से बैठे हैं, हाँ जी हाँ अच्छी बात है, 10 गेंदें 10 पे 10 की है जरूरत, 10 बॉल्स एंड 10 रन्स रिक्वायर्ड, अभी भी काफी सपोर्ट है ग्राउंड पे से हमने देखा बाकली को, लेकिन ज्यादातर लुनावा के साथ, चूंकि जो इस समय कंडीशंस है वो लुनावा के साथ ही फेवर करती हुई, 10 बॉल्स एंड 10 रन्स रिक्वायर्ड, न्यू बैट्समैन इन इज अश्विन, स्ट्राइक पे होंगे जश जो खेल रहे हैं 26 रन बनाकर, 10 पे चाहिए 10, सेमीफाइनल चलता हुआ ये एमटीसी मरुधर कप 2020 का पहला सेमीफाइनल, बांकली वर्सेस लुनावा, पावर प्ले का है ये ओवर, पांचवा ओवर जो कि पावर प्ले है सेमीफाइनल में, पहला और पांचवा, नहीं मिलने चाहिए सिंगल्स, ये यहां से अगर आप सिंगल्स दे जा रहे हैं फिर तो आप कहां पर रन रुकाएंगे, सर्कल के अंदर फील्डर क्यों खड़ा होता है एक रन बचाने के लिए, अगर वो आपके हाथों से चुरा ले जा रहे हैं तो फिर आप सब समझदार हैं। हर्षित कोशिश तो भरपूर करते हुए, पिछले ओवर में भी 6 रन आए थे, उसके बाद पीयूष के ओवर में भी सिर्फ 6 ही रन आए, लेकिन इस ओवर की पहली बॉल पर जो चौका निकला वहां से फिर श्री लुनावा यूथ ग्रुप ऊपर आती हुई नजर आई, सिंगल फिर से आता हुआ,
और एक बात तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ना अब मेंटल फ्रीडम हालांकि होकर भी नहीं है लुनावा के पास, बड़े शॉट नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि यार हालांकि बॉल टू रन उनको रन चाहिए, आठ गेंदे आठ रन, एट बॉल्स एंड एट रन रिक्वायर्ड, जश इज ऑन ही इज ऑन स्ट्राइक एंड एट बॉल्स एट नीडेड. क्या क्या यहां पर भी एक रन मिल जाएगा शायद, नहीं थ्रो थ्रो खराब था, क्या क्या गेंद लगी है देखते हैं इशारा एम्पायर का. अच्छा इससे पहले कि ये वो सिचुएशन एक मरतबा फिर से आए, सेमीफाइनल में अगर आलोक स्कोर बराबरी पर रुक जाते हैं तो क्या नियम है हमारा, प्री क्वार्टर और क्वार्टर में तो हमने विकेट देखे थे, क्या सेमीफाइनल में भी ये नियम है या फिर यहां पर सुपर ओवर. सेमीफाइनले में सो अगर स्कोर लेवल हुए सो विरल या फिर वहां से जश या फिर अक्षय एक बार प्लीज क्लियर करो ब्रदर्स ये आप लोग. सुपर ओवर, सुपर ओवर. सेमीफाइनल में अगर स्कोर बराबरी पर रुकता है तो सुपर ओवर होगा, सेमीफाइनल और फाइनल में सुपर ओवर होगा. नेक्स्ट बॉल और शायद फिर से इस बार एक रिस्की रन ले गए. सो इस एक रन से ओवर हुआ समाप्त, पांच पांच ओवर में बने 43, अब छह बॉल पे चाहिए सात. सिक्स बॉल्स एंड सेवन रन्स. कुछ क्रिकेटर्स से बातें करते हैं, जो जो कुछ क्रिकेटर्स हैं शायद छह पे चाहिए सात. वंश है हमारे साथ, फील्डिंग अगर इससे बेटर होती तो शायद कुछ और, ये जो छह पे सात देख रहे हैं हम, छह पे नौ या छह पे दस होते बाकली को, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि सर्कल से आप आगे बैठ के इतने रन दे दिए बाकली ने. हाँ लास्ट ओवर में ज्यादा रन रहते डिफेंड करने के लिए, फील्डिंग बेटर होती तो. क्या जिनित, डॉक्टर जिनित, क्या आपको भी ऐसा लगता कि अगर ग्राउंड फील्डिंग बेटर होती तो जो छह पे सात है छह पे नौ या छह पे दस होते? डेफिनेटली बहुत मैटर करता है ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों से एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक ओवर में नौ रन या दस रन होते तो और डिफेंड कर सकते थे. और आलोक इनसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? रनर आउट. थैंक्स डॉक्टर जिनित एंड वंश. कहावत है ना कि घायल की गति घायल जाने, जो चोट खाए हुए वही समझते हैं दूसरे का दर्द. छह बॉल पे चाहिए सात. सिक्स बॉल सेवन रन. युग आए हैं गेंदबाजी के लिए. युग 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 तक आप अमर हो जाओ, याद रखे जाओगे अगर इस ओवर को आप बचा लिया, अगर इस मैच को जिता दिया तो लाइफ. हाँ देखिए बाकली वाले ज्यादा समझ रहे हैं. छह पे चाहिए सात. सिक्स बॉल्स सेवन नीडेड. जश हैं स्ट्राइक पे. पहली बॉल सीधा आउट ऑफ द पार्क. सो अभी तक जो खामोशी थी उसको तोड़ते हुए और इसको उस लेवल करते हुए. हमारी वॉली इवेंट्स के वॉलेंटियर्स रेडी हो जाएं प्लीज. और जश जश ये कहते हुए, जश कहते हुए कि कुछ देर की खामोशी थी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा. अच्छा एक दूसरे को जानते भी हैं जश एंड योग, क्योंकि साथ में क्रिकेट खेलते हैं तो एक दूसरे की वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता है. लुनावा तैयार है सेलिब्रेट करने के लिए, तैयार है ग्रैंड फिनाले का. एंड ये सिंगल एंड इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर ग्रैंड फिनाले इन दिस नाइन्थ एडिशन ऑफ एमटीसी प्रेजेंट्स मर्दर कप 2020 एंड दे आर श्री लुनावा यूथ ग्रुप. अब वुमेन का मैच, दूसरा सेमीफिनाले.